तो सबसे पहले फैक्ट की बात करें तो इंसानी आँख 576 मेगापिक्सल की होती है। दोस्तों, इंसानी आँखों से हम दुनिया के देखते हैं और इंसानी आँख हमें 1,00,000 कलर को पहचानने की क्षमता होती है। इंसानी आँख बहुत ही तेज होती है और अगर टेक्निकल भाषा में बात करें तो 570 मेगापिक्सल की हमारी आँखें होती हैं। अब अगर हम दूसरे फैक्ट की बात करें तो चीता कभी भी दहाड़ नहीं सकता। चीता शेर की तरह नहीं दहाड़ सकता। आपको जानकर हैरानी होगी कि लेकिन चीता कभी शेर की तरह नहीं दहाड़ सकता। वो खाली बिल्ली की तरह म्याऊ कर सकता है। आप चाहे तो YouTube या Google पे सर्च कर भी देख सकते हैं। अब अगर हम तीसरे फैक्ट की बात करें, चींटियाँ कभी नहीं सोती। क्या आप यकीन कर सकते हैं? क्या आप जानते हैं चींटियाँ अपनी लाइफ में सिर्फ काम करती हैं और कभी नहीं सोती। और एक चींटी अपने वजन से 20 से 30 गुना ज़्यादा वजन उठा सकती है। अब चौथे फैक्ट के बारे में बात करें तो USB टेक्नोलॉजी की खोज एक इंडियन ने की है। हाँ दोस्तों, जो हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं वो USB का आविष्कार एक भारतीय अमेरिकन ने किया है। उनका नाम अजय भट्ट है। आप ज़्यादा जानकारी के लिए गूगल भी कर सकते हैं। अब अगर हम पांचवें फैक्ट की बात करें, शायद दुनिया की ऐसी एक मीठी चीज़ है जो हजारों साल तक ख़राब नहीं हो सकती। शायद दुनिया की ऐसी मीठी चीज़ें हैं जो 2000 सालों तक कभी ख़राब नहीं होती। और शायद मधुमक्खियों द्वारा बनाया जाता है। शायद हमारे शरीर के लिए वरदान के रूपी है और हमारे शरीर के लिए अनेक उपयुक्त गुणकारी भी होता है। इसमें बहुत विटामिन भी मौजूद होते हैं। अगर अब हम छठे फैक्ट के बारे में बात करें, हाथी कभी भी कूद नहीं सकते। हाथी एक ज़मीन पर रहने वाला एक विशाल आकार और शाकाहारी प्राणी है। अगर अब हम सातवें फैक्ट के बारे में बात करें, एक नवजात शिशु के शरीर में कुल 300 हड्डियां होती हैं। एक नवजात शिशु के जन्म के वक्त उसके कुल 300 हड्डियां होती हैं और एक वयस्क इंसान के शरीर में 206 हड्डी होती हैं। जब बच्चा बड़ा हो जाता है तो उसकी हड्डियां जुड़ने लगती हैं। अब अगर हम आठवें फैक्ट के बारे में बात करें, सऊदी अरेबिया देश एक ऐसा देश है जिसमें एक भी नदी मौजूद नहीं है। सऊदी अरेबिया एक मुस्लिम देश है जो विश्व का 23वां सबसे बड़ा देश है। सऊदी अरब में एक भी नदी ना होने के कारण इस देश को दूसरे देशों से पानी इंपोर्ट करना पड़ता है। अब अगर हम नौवें फैक्ट के बारे में बात करें, कंगारू कभी भी उल्टा नहीं चल सकता। जी हाँ दोस्तों, कंगारू कभी भी उल्टा नहीं चल सकता। कंगारू का शरीर आगे की ओर झुका होता है, इसलिए वो कभी उल्टा नहीं चल सकता, या फिर यूं कह सकते हैं कि वह कभी उल्टा नहीं कूद सकता। अब अगर दसवें फैक्ट के बारे में बात करें, झूठ बोलने पर इंसान की नाक गर्म हो जाती है। जी हाँ, एक साइंटिफिक रिसर्च के अनुसार कहा जाता है कि जब इंसान एक इंसान से दूसरे इंसान को झूठ बोलता है या फिर सच को छुपाने की कोशिश करता है तो उसकी नाक गर्म हो जाती है। तो दोस्तों, उम्मीद है ये आपको तथ्य, ये फैक्ट्स आपको पसंद आए होंगे। अगर पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। और तब तक के लिए हेल्दी रहिए, स्वस्थ रहिए और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।